जगाई है और मेरे लिए हलवा पूड़ी बना के लाई है, मेरे लिए कुंडल लेके आई है, कजरा लेके आई है, चूड़ी लेके आई है, गजरा लेके आई है, माता जी आपके लिए बढ़िया सुंदर ये कलश लेके आई हूँ, ठंडा ठंडा पानी पी लो, माता जी आपके लिए बिंदी लेके आई हूँ, आपके लिए झुमका लेके आई हूँ, आपके लिए मेहंदी लेके आई हूँ, आपके लिए पान लेके आई हूँ, आपके लिए नैवेद्य बढ़िया मिठाई लेके आई हूँ। तो माता जी ने जब स्वीकार किया, दर्शन दिया, तो माता जी को फिर समझने में देर नहीं लगी कि इसने जो मेरी पूजा करी है, इसके पति को मुझे जीवित करना है। तो ऐसी जितनी भी कथाएं हमने देवी भागवत में पढ़ी, उन कथाओं में ऐसा मिलता है कि माता जी ने सत्यवान सावित्री की कथा विष्णु पुराण में दूसरे ढंग से है, देवी भागवत में दूसरे ढंग से। माता जी की पूजा करने से भगवती ने सावित्री के ऊपर कृपा करी। अब देखो जो कात्यायनी देवी हैं, आज की देवी, इनके अस्त्र शस्त्र क्या हैं? कमल और तलवार, चार भुजाएं हैं माता जी की, कात्यायनी की भी चार भुजा, चतुर्भुजी माता। और कमल और तलवार, इनके जीवन साथी भगवान शंकर हैं, इनका वाहन सवारी भी शेर है। नवरात्रि के छठे दिन इनकी पूजा होती है, इनकी उपासना से शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार होता है। और ये माताजी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इस मंत्र का जप कात्यायनी देवी की पूजा में किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सब प्राणियों में शक्ति रूप से जो विराजमान रहती हैं, हमारे भीतर देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति और सुनने की शक्ति, पचाने की शक्ति, जो भोजन हम पचाते, शक्ति नहीं है तो हम क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई वहां चलो, बोले शक्ति नहीं है, चलने की ड्राइविंग की शक्ति होती है ना, माता जी शक्ति देती हैं, तब तो हम चलाते हैं गाड़ी, चलने की, हंसने की शक्ति, रोने की भी शक्ति देती हैं, नहीं रो ही नहीं सकता कैसे हो। तो ये सब माता जी की शक्ति। तो या देवी सर्वभूतेषु, और हमारे भीतर नहीं, सर्वभूतेषु माने सब प्राणियों में, भूत माने प्राणी, सब प्राणियों में शक्ति रूप से जो विराजमान रहती हैं, उन माता जी को हम नमस्तस्यै, 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 तस्यै माने उन माता जी को हम नमस्कार करते हैं, ऐसी माता जी को हम नमस्कार करते हैं, ऐसी माता जी को हम नमस्कार, कैसी माता जी, कि जो सब प्राणियों में सबकी शक्ति बन करके जो रहती हैं, खाने की, पीने की, बोलने की, देखने की, सुनने की, ये सब शक्ति रूप में माता जी विराजमान। माता जी शत्रुओं का संहार करती हैं, आपको उतनी शक्ति देती हैं कि आप शत्रुओं के ऊपर विजय पा सको, आपको ऐसी बुद्धि देते हैं। तो हम लोग तो क्या करते हैं, मुकदमा जीत जाते हैं तब तो बाद में कहते हैं वाह हमने उसको हरा दिया, हमने ऐसा वकील किया कि बस वो देखता रह गया, हमने ऐसा पैसा, इतना पैसा खर्च किया, ये सब किया। माता जी हंसती हैं कि पैसा भी तो मैंने ही दिया था और वकील करने की बुद्धि भी तो मैंने ही दी थी तुझे, सारा काम तो माता जी ने किया पीछे से, वो हमारी जो दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं वो या काम आ गया कि नहीं, ये हम नहीं कहते, हम सोचते हैं नहीं नहीं वो हमने काम किया था, फिर भूल जाते हैं। माता जी की कृपा को हम पीछे कर देते हैं और हम अपनी शक्ति को आगे कर देते हैं। लेकिन ये नवरात्र में देवी भागवत की कथा कहती है कि नहीं, तुम्हारी शक्ति पीछे है और माता जी की शक्ति आगे है, पहले उनकी शक्ति काम करती है। अच्छा, कात्यायनी देवी का जो पूजन होता है और इनकी जो, इनका जो ध्यान हो, जैसे हमारे पंडित जी ने पूजा कराई, बिल्कुल वही समय है, गोधूली वेला, शाम के समय, जो जो बिल्कुल जिस समय दिन समाप्त होता है, रात्रि शुरू होती है, उस समय कात्यायनी देवी की पूजा होती है। और इसमें अमोघ फल देने वाली हैं, अमोघ माने जिसका जो फल व्यर्थ नहीं होता, ऐसा फल देती है, इनकी पूजा व्यर्थ नहीं होती। छठे दिन की जो कात्यायनी देवी है, उनकी पूजा करने वाले की पूजा कभी, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो पूजा करते हैं उनकी पूजा सफल होती है, अमोक अमोक का मतलब है सफल होती है, व्यर्थ नहीं जाती है। अच्छा, कात्यायनी देवी का वर्णन भागवत में है, बड़ा सुंदर मंत्र है भागवत में, आप उसको एक बार पढ़िए मेरे साथ, कात्यायनी महामाये महामाये महायोगिनी महायोगिनी
अधीश्वरी अधीश्वरी नंदगोपसुतम नंदगोपसुतम देवी देवी पतिम पतिम मे कुरु ते नमः ते नमः। ये मंत्र है, ये मंत्र कात्यायनी महा कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंदगोप सुदम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। ये कात्यायनी देवी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो ब्रज में जो जिस देवी की पूजा होती है, ब्रज माने गोकुल वृंदावन बरसाना नंदगांव, वहां की देवी हैं ये, छठे दिन की देवी जो हैं। हम लोग पूजा कर रहे हैं नवरात्रि की देवी, इनका बड़ा भारी विस्तार है, इनकी कथा कितनी सुनाते जाओ कितनी सुनाते जाओ, एक एक देवी की कथा भी इतनी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग तो हमको लगता है कि हमें पता नहीं चलता कि कितनी कितनी उनकी कथाएं हैं, महिमा है। तो कात्यायनी देवी वो कात्यायन ऋषि की पुत्री हैं, और उनकी और भी जो कथाएं हैं उनके साथ साथ वो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं, सारे ब्रज की मालिक हैं, सारे वृंदावन की। और यहां पर जब गोपियां, अब जो कृष्ण भगवान की जो लीला हुई थी उसमें गोपियों ने मार्गशीर्ष के महीने में, मार्गशीर्ष का महीना होता है कार्तिक के महीने के बाद, अभी क्वार का महीना चल रहा है, अभी जैसे ये नवरात्रि चल रही है, इसके बाद में पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा के बाद फिर एक महीना जो आएगा उसको कार्तिक महीना कहेंगे, ये जो पूर्णिमा आएगी उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्वार के महीने की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा के बाद जो महीना आता है उसको कहते हैं कार्तिक महीना, बड़ा बढ़िया महीना माना जाता है। और कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको गंगा आदि में बड़ा बड़ी महिमा है, हरिद्वार आदि काशी में भारतवर्ष में, उसके बाद जो महीना शुरू होता है उसको मार्गशीर्ष महीना कहते हैं। मार्गशीर्ष गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने लिखा है मासा नाम मार्गशीर्षो हम, मासों में मास मार्गशीर्ष का महीना मैं हूं, बड़ा बढ़िया महीना माना जाता है मार्गशीर्ष। क्वार का महीना भी अच्छा है, कार्तिक भी अच्छा है, मार्गशीर्ष तो इससे भी अच्छा है। उसमें पूरे महीने में, आज तो हम आज के दिन पूजा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कात्यायनी की, पूरे महीने में कात्यायनी देवी की पूजा होती है, पूरे महीने मार्गशीर्ष के महीने, सारे महीने में कात्यायनी देवी की पूजा करो। और उसमें जो विशेष करके जिन कन्याओं को अभी विवाह नहीं हुआ, और उन कन्याओं या उन अपनी जिनकी बेटियों का विवाह करना है, और बेटी के विवाह में लगता है कि आपको कुछ देर हो रही है, भाई कुछ शादी से एक साल कुछ ज़्यादा निकल रहा है, इसी साल हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए, तो फिर कन्या को भी कहो कि तुम इस मंत्र का जप करो, और माँ बाप भी अगर उसकी कुछ रक्षा करें, सेवा करें, पूजा करें, उसका हाथ बटाएं कि बेटी तुम ऐसे पूजा करो, और तुम तो कहते हैं एक महीना भर पूरी पूजा करो, इस मंत्र का जप करो, और माता जी की षोडश उपचार पूजा करो। मैंने आपको कई बार उपचार षोडश उपचार बताए हैं, लेकिन उसमें कई बार आपको सोलह उपचार हैं, सोलह चीजें हैं पूजा की, लेकिन पांच चीज तो आज याद कर ही लो, कम से कम पांच आपको याद होंगे ही, हमने बता ही दिया पांच चीज हैं। कौन कौन सी पांच चीज? नंबर एक बोलो, नंबर एक चंदन, बोलो चंदन। पांच चीजें पूजा की याद कर लो, आज याद करके कल को सुनाना। पांच, नंबर एक चंदन, नंबर दो फूल, चंदन पहले चंदन फिर फूल, ये क्रम है, चंदन फिर फूल, फूल के बाद नहीं धूप, चंदन फूल धूप, धूप के बाद दीप, हो गया, चंदन फूल धूप दीप और नैवेद्य, होगी पांच चीज। ये पांच चीजें अगर ज्यादा ना हो तो पांच चीज से माता जी प्रसन्न हो जाती हैं, केवल पांच चीज, चंदन फूल धूप
दीप नैवेद्य। ये अब देखो, कई बार कहते हैं महाराज, कई हमारे भाई ऐसे हैं कि ये तो भैया औरतों का काम है, कहीं इकट्ठे करते थे, हम कहाँ से लाएं, ये सब बड़ा झंझट का काम है। लेकिन क्या करो, कभी आप अपनी घरवाली के बिना आते हो अगर मंदिर में, तो ऐसे तो लेके आया करो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्योंकि उनको कहो कि तुम चंदन भी ले चलो, फूल भी ले चलो, धूप भी ले चलो, दीप भी ले चलो, और नहीं तो विनोद जी से बोरो करना पड़ेगा फिर मंदिर में। और क्या, आके भाई विनोद जी लाओ, बिना जी बताओ कहाँ चंदन है, कहाँ फूल है, कहाँ धूप है, कहाँ दीप है, पांच चीज तो चढ़ानी है ना कम से कम। अच्छा, आपको आपको लगता है कि आप ला भी नहीं सकते, विनोद जी से बोरो भी नहीं कर सकते, शर्म आती है, कैसे करें? तो फिर इसके लिए एक और उपाय हम बताते हैं आपको। मजबूरी में, मजबूरी में ऐसे हाथ जोड़ो, जोड़ो हाथ। अब देखो, ये है चंदन, ये चंदन, और ये है फूल, ये है धूप, ये है दीप, और ये है नैवेद्य। देखो अब कैसे, ये कैसे हो गया जी? भगवान ने पांच उंगली दी है, तो ये पृथ्वी और ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश। तो पृथ्वी से चंदन होता है, अगर धरती नहीं होती चंदन कहां से होता? धरती से चंदन होता है ना, चंदन नहीं मिले तो मिट्टी, मिट्टी लेके चंदन, चंदन बेचने वाले लोग क्या करते हैं, 10 किलो चंदन लेते हैं और उसमें 50 किलो मिट्टी मिला देते हैं और 60 किलो चंदन बन जाता है और बेच देते हैं उसको चंदन के भाव, और हम लोग उसको लगाते हैं। सारा चंदन थोड़ी होता है, इसलिए मिट्टी से, धरती से चंदन निकलता है ना। तो पृथ्वी, ये हो गया चंदन, फूल, आकाश, आकाश के बिना फूल कहां होता है? तो चंदन, फूल और ये धूप, ये वायु है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु के बिना धूप कहां होती है? अगर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो धूप जलेगी नहीं, धूप बत्ती, धूप धूप चाहिए। तो वायु और दीप, अग्नि, ये अग्नि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये पृथ्वी है, ये जल है, अग्नि, वायु, आकाश। तो पृथ्वी से चंदन, आकाश से फूल, और वायु से धूप, और अग्नि से दीप, और जल से कब मिठाई ले आओ, ऐसी मिठाई लाओ जिसमें पानी नहीं मिलाया गया हो। पानी के बिना मिठाई बनती है कहीं? पानी के बिना कोई मिठाई नहीं बनती, रसगुल्ला बने पानी के है ही, मिठाई कैसे बनेगी? तो ये नैवेद्य हो गया। तो ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़िए सभी लोग प्रेम से, बोलो सभी लोग, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। अब देखो कितने सारे लोग हैं, तो इतनी बार आपका जप का फल इकट्ठा करने से ये होता है, अगर एक बार बोला तो 100 बार जपने का फल सबको मिल गया, ये महीना होती है। इसलिए होता है अगर 100 बार नहीं जप सकते तो 100 लोगों को बिठा लो, उनके बाद जपो, बड़ा बढ़िया हो जाता है। तो ये मैंने आपको निवेदन किया। अच्छा, भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माताजी का पूजन किया था। किसका पूजन किया? कात्यायनी देवी का पूजन किया था। कहां पर किया था? वृंदावन में किया था। कौन सी जगह? जमुना जी के किनारे बैठकर जमुना जी में स्नान किया। कितने बजे किया था? सवेरे 3 बजे। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, सवेरे 3 बजे। आप लोग कहते हैं सवेरे 3 बजे आंखें नहीं खुलती, बढ़िया नींद तो तभी आती है। देखो प्रीति सवेरे 3 बजे उठती है, ये मेरे साथ गई 2 महीना 65 दिन तक दिल्ली में, वहां पर दिल्ली में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार, वहां पर बहुत जगह गई, हिमाचल में हमारा आश्रम है, और 5 बजे से 7 बजे तक ये योगाभ्यास कराती रही वहां सब लोगों को। बड़े लोग आए, 100-200 लोग योगाभ्यास में, सवेरे 5 बजे आ जाते थे लोग वहां पर, बड़ा भारी इनका योगासन। आप देखो वीडियो, आपको यूट्यूब में 2-4 पड़ी है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसमें इन्होंने, क्योंकि ये योगासन करती थी, आपको रिकॉर्ड कौन करे तो मैंने देखा कि अब उसके बाद में बहुत दिन इनको हो गए, तो ये सुबह 3 बजे उठ जाती है। तो ऐसे आप सबको तो, क्योंकि इनको मैंने देखा है, सबको तो हम नहीं जानते, लेकिन आप लोग भी अगर 3 बजे जब ये उठ सकती हैं, तो आप क्यों नहीं 3 बजे उठ सकते? मैंने इनसे पूछा कि 3 बजे आप कैसे उठती हो,
हमें तो भाई 3 बजे नींद आती है कई लोगों को। तो तीन, इन्होंने बताया उसका सीक्रेट कि 3 बजे उठना है तो शाम के 3 बजे खाना खा लो, डिनर कर लो, नहीं तो 3 बजे उठ नहीं सकते। और डिनर 11 बजे करेंगे तो 3 बजे उठ नहीं सकते। सच्चाई है, जिनको पूजा करनी होती है उनको शाम को जल्दी डिनर करना होता है, जिनको सवेरे जल्दी उठना होता है। तो सवेरे, और ये एक सीक्रेट ये, और जब डिनर जल्दी करोगे तो लंच जल्दी करना पड़ेगा। मैंने देखा ये 9 बजे लंच कर लेती थी, 9 बजे लंच होता है कहीं? हम तो कहते हैं हम तो ब्रेकफास्ट करते हैं 9 बजे, और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? वो बिस्कुट खाते हैं। अरे ब्रेकफास्ट मत करो, फास्ट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, खूब पेल के खाओ। खूब बढ़िया रहो और क्या। अब हंसते हैं। अरे भाई सवेरे सवेरे भूख लगती है, सूरज चढ़ रहा है, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, एक बड़े भारी योगी है मुझे बताया कि सवेरे को ब्रेकफास्ट छोड़ दो और सवेरे को बढ़िया रोटी खाओ, खूब बढ़िया रोटी बना के, और दो ज्यादा भी खा लो चिंता नहीं, ज्यादा भी खा लोगे ना सब पच जाएंगे, चढ़ते सूरज में पच जाएंगे, और चढ़ते सूरज में चाय पीते हैं, उसके बाद 2 बजे रोटी खाते, सब गड़बड़ हो जाता है। चाय पी के 2 घंटे बिता देते, सारा काम एनर्जी वेस्ट, सब खराब होता है। अब भगवान आपकी रक्षा करें, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि सवेरे को लंच जल्दी करो, डिनर जल्दी करो, सवेरे को उठो जल्दी और भजन बढ़िया करो, खूब बढ़िया, क्योंकि सवेरे के बिना भजन होता नहीं है। कोई कितना, हम तो 12 बजे उठते हैं आराम से, 12 बजे भजन थोड़ी होता है। चलो तो आप लोग बुरा नहीं मान जाना, ज्यादा आपको नहीं हम कहते, आप लोग भगवान की बड़ी कृपा है, आप बहुत अच्छे हैं। तो माता जी को थोड़ा भक्तों को दर्शन दे गई रे।